वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। हमारी आज की वीडियो में हम भारत राष्ट्र के बिहार राज्य में हैं। बिहार की औद्योगिक राजधानी यानी कि बेगूसराय जिले पर आज की हमारी वीडियो है। हम इस जिले के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, कुछ जो आप पहले से जानते होंगे और कुछ आपके लिए बिल्कुल नया होगा। बेगूसराय जिला 1918 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी यहाँ की तकरीबन 30 लाख के आसपास है। अगर इसको आप नक्शे पर देखेंगे तो इसके पूर्व में खगड़िया और मुंगेर जिला है, पश्चिम में पटना और समस्तीपुर जिला है, इसके उत्तर में समस्तीपुर जिला और दक्षिण में लखीसराय जिला है। मेनली यह बिहार के केंद्र या सेंटर में है। सन 1870 ईस्वी में यह मुंगेर सब डिवीज़न का हिस्सा बना था और स्वतंत्र जिला इसे घोषित किया गया 2 अक्टूबर 1972 को। प्राकृतिक रूप से यह जिला काफ़ी संपन्न है। गंगा बेसिन में यह पड़ता है और इसे गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां सिंचित करती हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और लोग मेहनतकश हैं। यही वजह है कि यहाँ रेपसीड, ऑयल सीड, तंबाकू, जूट, आलू, टमाटर, मिर्ची जैसी फसलें सालों भर लहलहाती रहती हैं। लोग कई तरह की फसलें उगाते हैं और इन दिनों लीची, आम, अमरूद, केला, नींबू की बागवानी भी यहाँ खूब हो रही है। आपको जगह जगह फलों के ऑर्चार्ड या बगान देखने को मिलेंगे जो यहाँ के लोगों का भरण पोषण भी कर रहा है और उन्हें आय का एक अलग स्रोत भी देता है। इन दिनों यहाँ पर्ल फार्मिंग यानी मोतियों की खेती और तुलसी की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। तुलसी यानी हॉली बेसिल, इसकी खेती यहाँ पर लार्ज स्केल में होती है और इसे भारत और भारत के बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और इसीलिए इसे बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, जिस अकेले रिफाइनरी से राज्य सरकार को सालाना 500 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी और स्थानीय लोगों को यहाँ किस हद तक रोजगार मिला होगा। हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड का कारखाना भी यहाँ पर है। बरौनी का NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो बिजली का उत्पादन करता है वो भी यहाँ है और गंगा बेसिन में पेट्रोलियम का अथाह भंडार होने की बात भी अभी पता चली है। हालांकि इसका औद्योगिक उत्खनन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह यहाँ की संपदा है। स्थानीय लोगों ने उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में गजब का सामंजस्य बिठाया है। कृषि भी बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर होता है, गहन कृषि यहाँ होती है और उद्योग भी परस्पर साथ साथ चलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ की प्राकृतिक संपदा क्षय नहीं हुआ है। आप बेगूसराय आना चाहें तो रेल मार्ग सर्वोत्तम साधन है। यहाँ का रेलवे स्टेशन बरौनी जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है पूर्व मध्य बिहार का, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी देश के सभी रेलखंडों से है, सभी रेलवे स्टेशन के साथ है। अगर NH की बात करें तो नेशनल हाईवे 28 और 31 इस जिले से होकर गुजरता है। हाँ, ऑपरेटिंग एयरपोर्ट यहाँ पर अभी भी नहीं है, यानी जो एयरपोर्ट है वह सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए है। अब जब आप बेगूसराय आ जाते हैं तो पहले यहाँ के लोगों के बारे में जानना ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हम यहाँ के लोगों की बात करेंगे और फिर बताएंगे कि बेगूसराय ज़िले में घूमने के लिए क्या क्या है, आप क्या देख सकते हैं और क्यों आपको यहाँ आना चाहिए, साथ ही आप यहाँ से क्या लेकर जा सकते हैं। यहाँ के लोगों की बात करें तो ज़्यादातर आबादी यहाँ की पढ़े लिखे लोगों की है। साक्षरता का दर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है और ये एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंदर आता है। शहर में हिंदी, अंग्रेजी सभी माध्यम के तमाम अच्छे स्कूल और कॉलेजेस लड़के और लड़कियों के लिए, साथ ही कोएड वाले आपको मिल जाएंगे। आबादी 90% हिंदुओं की है और उसमें से भी ज़्यादातर अगड़ी जाति के लोग यहाँ पर हैं। खास जाति के लोगों का यहाँ पर वर्चस्व है। लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और इसीलिए इसे बिहार का लेनिनग्राद भी कहा जाता है। खैर, राजनीतिक विचारधारा चाहे जिसकी जो हो, एक आम बिहारी राजनीति में दिलचस्पी तो रखता ही है और राजनीति पर बात करना भी पसंद करता है।
पर आम तौर से यहाँ के लोग हिंदी या मिथिला भाषा का बोलचाल में प्रयोग करते हैं और आपको यहाँ बातचीत करने में किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग मिलनसार हैं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। शहर में आपको रहने के लिए बहुत सारे अच्छे होटल्स सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। महंगे होटल्स की भी यहाँ कमी नहीं है। मुख्य शहर के अंदर 1981 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसे आप सबसे पहले देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ घंटे दो घंटे आपके कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर देख पाएंगे। यहाँ मुख्य शहर से थोड़ी दूर गढ़पुरा में हरिगिरी धाम नाम से एक जगह है, जहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। शिवरात्रि में यहाँ बड़ा मेला लगता है, विहंगम मेला लगता है, जिसमें आसपास के शहरों से भी लोग आकर इकट्ठे होते हैं। बिसनपुर में नवलखा मंदिर है, जो कमल फूल की जैसी आकृति का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, जिसमें राम लक्ष्मण जानकी की पूजा होती है। और यहाँ पर एक अच्छा सा तालाब है, तालाब के चारों तरफ सुंदर उद्यान बनाया गया है, जिसमें तरह तरह के फूल पत्ते लगाए गए हैं। देखने में खूबसूरत जगह है, यहाँ डिवोटीज आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा जिला हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर की दूरी पर जयमंगलगढ़ मंदिर है, जो कि जयमंगलपुर गाँव में पड़ता है। यह कनवर झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। भारत में जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से यह एक है और यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। आप यहाँ पूजा के लिए भी आ सकते हैं और अगर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लेना चाहते हैं, शांति के कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो यहाँ आना आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। जिला मुख्यालय से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर कांवर लेक बर्ड सेंचुरी है, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जहां हर साल विदेशी पंछी साइबेरियन क्रेन यहां डेरा डालने के लिए आते हैं। देखने के लिए यह बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अगर आप साइबेरियन क्रेन्स को देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप विंटर सीजन में आएं, यानी कि जाड़े के दिनों में आएं। यही वह समय होता है जब साइबेरिया से पंछियों के झुंड उड़कर यहाँ आते हैं, कई महीनों तक तालाब में डेरा डालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस तालाब में कमल के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ किनारे पर मछली पकड़ते हुए और कुछ लोग बोटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। शहर का हॉट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। पक्षियों को मारने की इजाज़त नहीं है, हालांकि लोग चोरी छुपे पक्षियों का शिकार भी करते हैं, जो गलत है। हम बेगूसराय ज़िले की बात कर रहे हैं और सिमरिया का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बेगूसराय जिला का सिमरिया गंगा घाट भारत में नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कुंभ जैसा मेला लगता है। हिंदुओं के लिए कार्तिक मास का खास महत्व होता है। कई हिंदू कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करते हैं, जिसमें संयमपूर्ण जीवन जिया जाता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और शुद्ध आचरण और व्यवहार किया जाता है, जिसमें खाना में लहसुन प्याज भी वर्जित रहता है। इसके लिए दुनिया भर से डिवोटीज यहाँ सिमरिया के गंगा घाट पर आते हैं, एक महीने तक गंगा के तट पर निवास करते हैं और यहाँ पर मेला लगा होता है। पुरुष और महिलाएं सूती शुद्ध वस्त्र को ही धारण करते हैं। हाँ, पुरुषों का पहनावा कुछ खास दिखता है, धोती कुर्ता और बिहारी स्टाइल का गमछा। महिलाएं भी साड़ी का ही प्रयोग करती हैं, हाथों में सांखा पोला, बड़ी सी बिंदी। ओवरऑल सीन यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है। बेगूसराय आकर आपको मिथिला की महान संस्कृति देखने को मिलेगा। मिथिला, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, यह माँ सीता की भूमि है, सिमरिया घाट की भूमि है। यहाँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कवि भी थे और लेखक भी। यहाँ की दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, जो दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती हैं। एक तो मिथिला पेंटिंग और दूसरा मिथिला का पंचांग। तो आप मिथिला छोड़ने से पहले या बेगूसराय से जाने से पहले ये दो चीज़ें अपने साथ जरूर लेकर जाएं। मिथिला पंचांग आपको साल भर काम आएगा और पेंटिंग आपके यहाँ जीवन भर रहेगी।
आपको यहां आकर बिहार की गौरवशाली भूमि को जानने और समझने का एक और अवसर मिल सकता है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप बिहार आएं और एक अलग नज़रिए से बेगूसराय ज़िले को घूम कर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।